हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मियों के मौसम में फोड़े अधिक निकलते हैं। आइए आज हम आपको फोड़े निकलने के कारण एवं इससे होने वाले आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में बात करेंगे। यदि आप ये आयुर्वेदिक उपचार अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ही आपका फोड़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इस रोग के कारण रोगी के शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं जिनमें पीप तथा मवाद भरी रहती है। इस रोग के कारण फोड़े में गांठ भी पड़ जाती है तथा कुछ दिनों के बाद ये गांठ मुलायम पड़ जाती है तथा उसमें पीप और दूषित रक्त भर जाता है। इसी को फोड़ा कहते हैं। जब यह फूट जाता है तो इसमें से दूषित पदार्थ यानी पीप और विषैला रक्त खून बाहर निकलने लगता है। फोड़ा छोटे तथा बड़े दोनों रूप में ही हो सकता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को बुखार तथा कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। ये फोड़े कभी कभी 2 से 3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं तो कुछ जल्दी ठीक नहीं होते। जब फोड़ा फूट जाता है तो 7 से 10 दिनों तक यह सूख जाता है। जब फोड़े के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो यह असाधारण रूप ले लेता है और यह नासूर, नहरुआ तथा कैंसर आदि रोगों का भी कारण हो जाता है और बहुत अधिक दर्दनाक होता है। फोड़ा होने के क्या कारण होते हैं? फोड़ा होने का सबसे प्रमुख कारण शरीर में दूषित द्रव्य जमा हो जाना होता है। जब रक्त में दूषित द्रव्य मिल जाते हैं तो शरीर के किसी कमजोर भाग पर यह दाने के रूप में निकलने लगते हैं और उसमें मवाद या पीप भर जाती है। फोड़ा में गांठ भी बन जाती है तथा रोगग्रस्त भाग कभी कभी लाल रंग का हो जाता है और उस स्थान पर जलन, खाज तथा दर्द भी होने लगता है। फोड़े का प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। फोड़े का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने के लिए सबसे पहले रोगी व्यक्ति का फोड़ा जब तक पक ना जाए तब तक उस पर प्रतिदिन 2 से 3 बार गुनगुना पानी छिड़कना चाहिए या फिर 10 मिनट तक 2 से 3 बार कम से कम 2 घंटे तक बदल बदल कर गर्म पट्टी का लेप करना चाहिए या फिर कपड़े की गीली पट्टी करनी चाहिए। जब फोड़ा पक जाए तो उसे फोड़कर उसकी पीप तथा जहरीले रक्त को बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद नीम की पत्तियों को पीसकर लेप बनाकर फोड़े पर लगाएं तथा कपड़े से पट्टी को बांध लें। इस प्रकार से प्रतिदिन पट्टी करने से फोड़ा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। रोगी व्यक्ति को प्रतिदिन गुनगुने पानी से एनीमा क्रिया करनी चाहिए ताकि उसका पेट साफ हो सके तथा दूषित द्रव्य उसके शरीर से बाहर निकल सके। नींबू के रस को पानी में मिलाकर उस पानी से फोड़े को धोना चाहिए तथा इसके बाद फोड़े पर कपड़े की पट्टी कर लेनी चाहिए। जब फोड़ा पीप युक्त हो जाए तो उस पर कम से कम 5 मिनट तक गर्म पानी में भीगे कपड़े की पट्टी जरूर करनी चाहिए। इसके बाद फोड़े को फोड़कर पीप तथा जहरीले रक्त को बाहर निकाल देना चाहिए और फिर इसके बाद ठंडे पानी में भीगे कपड़े से दिन में 3 से 4 बार सिकाई करनी चाहिए। इससे फोड़ा जल्द ही ठीक हो जाता है। जब फोड़ा फूट जाए तो दिन में 2 बार उस पर हल्की भाप देकर बलुई मिट्टी की भीगी गर्म पट्टी या कपड़े की भीगी पट्टी बदल बदल कर लगानी चाहिए। इसके बाद जब उस पट्टी को खोलें तो उसे ठंडे पानी से धोकर ही खोलना चाहिए। जब रोगी के शरीर में अधिक संख्या में फोड़े निकल रहे हों तो उस समय रोगी व्यक्ति को 2 दिनों तक उपवास रखना चाहिए तथा फलों का रस पीना चाहिए तथा दिन में गुनगुने पानी से एनीमा क्रिया करनी चाहिए। इसके साथ साथ रोगी व्यक्ति को नींबू का रस पानी में मिलाकर पीना चाहिए। रोगी व्यक्ति को सप्ताह में 1 बार फोड़े पर ठंडी पट्टी रखकर स्नान करना चाहिए तथा पैरों को गर्म पानी से धोना चाहिए। रोगी व्यक्ति को प्रतिदिन 2 बार कटी स्नान तथा मेहन स्नान करना चाहिए। रात के समय में रोगी व्यक्ति को अपने पेट पर मिट्टी की गर्म पट्टी रखनी चाहिए। इसके अलावा रोगी को गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए तथा तौलिए से अपने शरीर को पोंछना चाहिए। फोड़े पर हरा प्रकाश देकर नीला प्रकाश भी देना चाहिए। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करने से फोड़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। फोड़े को मक्खी आदि से बचाने के लिए उन पर नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ इसका प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करना चाहिए। इससे फोड़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाता है और सुबह के समय में नीम की 4 से 5 पत्तियां आप जरूर चबाएं। इससे भी शरीर में जो गंदा रक्त होता है वह जल्द से जल्द साफ हो जाता है और फोड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, यदि किसी को ज़्यादा फोड़े निकलते हैं
तो वह नीम की कोपलें रोजाना चबाएं। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें आयुर्वेदिक उपाय और आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगी।